गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली थ्री टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है कुछ अनयूजुअल लीव्स के बारे में, उसके बाद हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा एंड लास्ट पॉइंट होगा आज का कि किस तरह से नेचर में बैलेंस बना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उसे देखते हैं, अनयूजुअल लीव्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें कुछ प्लांट्स के, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब उसमें फर्स्ट एक एग्जांपल हो सकता है जैसे कैक्टस का। अब कैक्टस जो प्लांट होते हैं उनमें लीव के बजाय स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम भी उसे कहते हैं, और उसी मॉडिफाइड स्टेम में फूड प्रिपरेशन होता है यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसी तरफ करोटन जो काले पत्ता होता है वो कलरफुल होता है, लाल रंग का, ब्राउन, दूसरे रंगों का हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट या दूसरे कलर के पिगमेंट उसमें मौजूद होते हैं। हाँ, उसमें क्लोरोफिल भी होता है यानी ग्रीन पिगमेंट भी मौजूद होता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो मास्क ओवर होता है किसके कारण से, रेड या दूसरे कलर के कारण। एग्जांपल समझिए कि लीफ में क्लोरोफिल कम होगा और दूसरे कलर की क्वांटिटी जैसे अधिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कलर वाला दिखेगा वो लीफ। अगर हम लोग इसी तरह से कुछ डिफरेंट एक और प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जैसे मशरूम के बारे में। अब मशरूम जो होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट में से एक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना न्यूट्रिएशन कैसे गेट करते हैं, ये अपना न्यूट्रिएशन गेट करते हैं डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स, यानी कि जहाँ सड़ा गला हुआ जगह रहेगा, जो डैम्प प्लेसेस रहेगा जहाँ पर डंप करते हैं कचरा वगैरह फेंकते हैं, वहाँ पर मशरूम ईजिली ग्रो होता। तो मशरूम जो होता है उसे सेप्रोफाइट्स कह सकते हैं, इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन बोलते हैं, यानी वैसा आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएशन जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेड डिकेइंग प्लांट या एनिमल से अपना फूड गेट करता है तो उसे सेप्रोफाइट्स कहेंगे, और इस प्रकार के न्यूट्रिएशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन कहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं चीज़ों को थ्रू द बोर्ड की मदद से। सब अनयूजुअल प्लांट जैसे कि करोटन जो रेड लीव्स का या दूसरे लीव्स में दिखता है इसीलिए क्योंकि उसमें दूसरे पिगमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी होते हैं। कैक्टस फोटोसिंथेसिस का होता है, ये स्टेम में होता है, ये फ्लैशी पार्ट ड्रॉ करता है स्टेम का, और ये मॉडिफाइड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादातर डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये ग्रो होता है, तो उन जगहों पर पानी की कमी होती है, वाटर बहुत कम होता है, तो वाटर को सेव रखने के लिए इनमें लीव्स नहीं होते हैं, क्योंकि लीव्स अगर ज़्यादा होते तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा लॉस होगा, तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इनमें लीव्स के जगह पर स्टेम होता है जिन्हें मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। इसी तरह से फर्दर हम लोग देखें मशरूम एक प्रकार का फंगी का एग्जाम्पल, फंगस का ही एक प्रकार का फैमिली हुआ, फंजाई का एक फैमिली हुआ, तो अलग अलग फॉर्म के फंजाई हमारे आसपास मौजूद होते हैं जिनमें से ब्रेड मोल्ड हो सकता है, जो वाइट पैचेस आप देखते हैं कि रोटी या स्लाइस ऑफ ब्रेड के ऊपर डेवलप हो जाता है वो हो सकता है। इसी तरह से जो अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो ये भी उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छी तरह से मशरूम, ये मशरूम जो है इसमें से कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, जबकि इनमें डेड कैप होते हैं जिस कारण से बहुत सारे ऐसे मशरूम होते हैं जो एडिबल नहीं होते हैं, मतलब टॉक्सिक नेचर के होते हैं, वो उनको खाना मतलब कि हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। अब हम लोग फूड चेन की बात करेंगे। फूड चेन क्या है, देखिए सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स थ्रू फूड चेन, मतलब क्या कि पूरे अल्टीमेटली अगर आपसे पूछे कि अर्थ पर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है, सबसे बेसिक सोर्स क्या है जो अर्थ को एनर्जी मतलब मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है सन है। सन से मिलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी बोलते हैं, जिसका उपयोग प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करता है यानी अपना फूड तैयार करता है। बने हुए फूड को ही आगे वो स्टोर करके रखता है जिसे हर्बीवोर्स ईट करते हैं। ईट करने वाले एनिमल्स को कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, तो बेसिकली प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, उत्पादक, क्योंकि ये फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं। दूसरी तरफ जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं वैसे एनिमल्स को हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर तीन तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी
जो होते हैं वो हर्बी बोर्ड्स होते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे डियर हो सकता है या और दूसरे छोटे इंसेक्ट्स भी इनमें से हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ग्रास ओवर, ये इनके एग्जाम्पल पॉसिबल है। तो इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उनमें कार्निवोर्स हो सकता है, जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है उन्हें ईट करता है, जैसे डियर को ईट करने वाले अगर कुछ एनिमल की बात करें जैसे टाइगर या लायन हो सकता है। टर्शियरी वैसे होते हैं जो बेसिकली लार्ज बोल सकते हो कि कैटेगरी के कार्निवोर्स जो होते हैं उनको इसमें रखा जाता है, जैसे ईगल, वल्चर्स, ये सब इसमें हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं कि फूड चेन क्या है। फूड चेन बेसिकली एनर्जी का फ्लो है सन से प्लांट के पास, प्लांट से स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म के पास, और इनसे फिर लार्जर एनिमल्स इन्हें फूड के रूप में ईट करते हैं। तो बेसिकली फूड चेन जो होता है ये बताता है कि हु ईट्स हुम, यानी कौन किसको खाता है, कौन किसे अपना भोजन बनाता है, इसे ही फूड चेन भी कहते हैं। और ये एक तरह का लीनियर मतलब एक लाइन पर आप बोल सकते हैं कि फूड का, एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे सोर्स की मदद से किया जाता है। तो इनमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। फूड चेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन विच स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज फूड फॉर लार्ज ऑर्गेनिज्म इन टर्न इज द फूड फॉर इवन लार्जर एनिमल्स। तो फूड चेन बेसिकली ये बताता है कि कौन किसे ईट करता है, वो ईट्स हुम। साथ ही साथ ये भी बताता है कि स्मॉल एनिमल्स या स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बड़े ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाते हैं, यानी कि उनके लिए वो खाना बन जाता है। इसी तरह से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा जो ईट कर रहा है वो भी किसी और का खाना बन सकता है, मतलब इवन और लार्जर जो एनिमल होगा उसके लिए वो जो है सो फूड बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि ग्रास जो है इसे ईट स्मॉल इंसेक्ट कर सकता है, जैसे कि ग्रास ओवर, और ग्रास ओवर को ईट कौन कर सकता है, तो फ्रॉग कर सकता है, फ्रॉग को कौन ईट कर लेता है, स्नेक, और स्नेक को कौन ईट कर सकता है, ईगल। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें कि ग्रास ये प्रोड्यूसर हुआ और बाकी जितने इसमें हुए सभी कंज्यूमर्स हुए। तो एनर्जी जो है सबसे पहले सन से आया ग्रास के पास, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसे सिंथेसाइज किया और फिर उसे ईट किया ग्रास ओवर ने। ग्रास ओवर को जो ईट कर रहा फ्रॉग है, इसी तरह स्नेक है आगे, और फिर ईगल। इसमें फूड आप देख रहे हैं कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होता जा रहा है, एक से दूसरे में आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली फूड चेन फॉर्म हो रहा है। एक बहुत सिंपल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फूड चेन का, जैसे एक ट्री है प्रोड्यूसर वर्ग, अब इसे ईट करने वाला हर्बी होर्स जैसे कि ट्री, डियर, और डियर को ईट करने वाले जैसे लायन। तो ये प्रोड्यूसर वर्ग और ये दोनों कंज्यूमर वर्ग, ये प्राइमरी कंज्यूमर कराएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, इन्हें इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दूसरी तरफ लायन जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा क्योंकि ये डियर पर डिपेंड होता है, तो इनडायरेक्टली डिपेंड होता है किस पर, तो प्लांट पर। ऐसे एक और एग्जाम्पल जैसे ग्रास को ईट करने वाले ग्रास ओवर, उनको ईट करने वाले फ्रॉग, फ्रॉग को ईट करने वाले स्नेक, और स्नेक को आगे ईगल। इसमें क्या हो रहा है कि फूड जो है जो ग्रास है वो ग्रास ओवर का बन रहा है, और ग्रास ओवर जो है वो फ्रॉग का फूड बन रहा है। इसी तरह से फ्रॉग जो है वो स्नेक का फूड बन रहा है, और स्नेक जो है वो ईगल का फूड बन रहा है। यानी कि स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है वो बिगर ऑर्गेनिज्म के लिए, लार्जर एनिमल के लिए वो फूड बन रहा है, इन टर्न फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो भी फिर फूड बन जाता है। इसमें एनर्जी जो होता है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, एनर्जी जो होता है इसका फ्लो होता है, एक लीनियर बोल सकते हो, एक लाइन पर बोल सकते हो कि एनर्जी का फ्लो होता है, इसे फूड चेन कहते हैं। और इस तरह के कई सारे फूड चेन फॉरेस्ट में मौजूद होते हैं, इवन टू आपके गार्डन में भी इस तरह के फूड चेन हो सकते हैं। आपको गार्डन में जाना है और देखना है कि ग्रास को कौन ईट कर रहा, फिर जो ईट कर रहा उसको कौन ईट कर रहा। अगर आप इस तरह के दो तीन भी आप हल कर लिए, एक फूड चेन आपने ढूंढ लिया, इस तरह के आप जरूर दो तीन फूड चेन आप ट्राई कीजिए फाइंड करने का। ऑफ कोर्स आपको दो चार के आपको इससे कहीं ज्यादा मिल ही जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना, यानी प्लांट की जरूरत है एनिमल, और एनिमल की भी जरूरत है प्लांट्स, यानी एक दूसरे पर दोनों निर्भर होते हैं।
अकेले इंडिपेंडेंट ये इक्का रखना मुश्किल होगा, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे पता आपको कि प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स जब ब्रीद आउट करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बाहर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को फूड बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है। इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह से प्लांट जो अपना फूड बनाए उस फूड पर एनिमल डिपेंड होता है। तो फूड के रूप में तो ह्यूमन बीइंग भी डिपेंड है, इसी तरह से दूसरे एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड है, और भी कई चीज़ों के लिए बोल सकते हो कि एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि शेल्टर के लिए ने होम भी चाहिए, एनिमल्स जितने भी हैं वो सब कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट जो हुआ वो प्लांट ही है, तो प्लांट्स बहुत सारे हैं, ट्रीज वहाँ हैं जिससे कि फॉरेस्ट की तरह बन रहा है, उनमें जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए प्लांट्स या ट्रीज जो है वो शेल्टर की तरह काम कर रहा, यानी उनके लिए घर हुआ। अब जो एनिमल का या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो घर होता है उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं, तो आवास भी बोल सकते हैं, होम ऑफ बोल सकते हो कि प्लांट या एनिमल। याद है क्या लोग कि प्लांट एनिमल पर डिपेंड है और एनिमल प्लांट पर इंटरडिपेंडेंट है, इसे ही क्या कहते हैं लोग, तो इंटरडिपेंडेंट और ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है। प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है किससे, एनिमल से, जिसका उपयोग वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कर रहा है और जिससे अपना फूड बना पाता है। उसी तरफ एनिमल्स गेट ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल जितने भी हैं इन्हें ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए प्राप्त होता है प्लांट से, साथ ही साथ इन्हें फूड प्राप्त होता है प्लांट से। आपको पता होगा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, तो डायरेक्टली अगर प्लांट को ईट करते हैं तो वो आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड हुए, जबकि अगर वो डिपेंड नहीं होते हैं डायरेक्टली तो किसी अगर एनिमल को ईट करते हैं, फ्लैश ईटर हैं, तो ऐसे वो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पर ही। किस तरह से नेचर में बैलेंस बना होता इसे हम लोग देखेंगे। एक तो पिछले टॉपिक हम लोगों ने देखा किस तरह से प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होता। जस्ट थिंक कीजिए कि अब अगर प्लांट्स की संख्या कम हो जाए तो क्या असर होगा इस पर हमारे नेचर में। जैसे ही प्लांट की संख्या कम हो जाएगी तो एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, एनिमल्स को फूड नहीं मिल पाएगा, एनिमल्स को शेल्टर नहीं मिल पाएगा, ऑफकोर्स लाइफ जो होगा वो एग्जिस्ट होना मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरा केस अगर हम लोग ठीक करते हैं, क्या होगा अगर एनिमल्स की संख्या कम हो जाए, एनिमल्स नहीं रहे, तो ऐसे में क्या होगा। अब जैसे ही अगर एनिमल्स की संख्या कम हो जाएगी तो इसमें जो प्लांट्स हैं उनको भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा, यानी वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स की संख्या नेचर में बराबर होनी चाहिए, बराबर मतलब नंबर से बराबर नहीं होंगे बल्कि जो नेचर ने बैलेंस बनाया है वो बैलेंस इक्वल होना चाहिए, बना रहना चाहिए। अब ये बैलेंस बना हुआ है कि नहीं है, अभी हाल के कुछ दशकों में लोगों ने फॉरेस्ट को क्या किया, कट किया, और फॉरेस्ट को हटाया, जंगल को हटाया, लकड़ियों को काटा, इस प्रोसेस को पता है आपको डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं, और इस कारण से एनिमल का जो घर है वो उजर रहा, वो बेघर हो रहे हैं, वो होपलेस हो रहे हैं, प्लांट्स की संख्या लगातार कम हो रही है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बढ़ता जा रहा है, और पता ही होगा आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ते जा रही है, और इससे जो ह्यूज प्रॉब्लम जो फ्यूचर में देखने को मिल सकता है जिसे क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न जुड़े हुए हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट है। अगर बैलेंस इन नेचर की बात करें, इसका हिंदी मतलब होता है प्रकृति में संतुलन, किस तरह से प्रकृति में नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स का एक राइट प्रोपोर्शनल है, एक निश्चित संख्या में है, जिससे कि पूरे प्रकृति में एक बैलेंस बना हुआ है, एक तरह संतुलन बना हुआ है। तो अगर हम थिंक करें नो प्लांट्स, अगर प्लांट्स की संख्या ही नहीं हो, प्लांट नहीं हो, या प्लांट्स की संख्या कम हो जाए अचानक से, तो ऐसे में क्या होगा कि प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन हम ह्यूमंस को और एनिमल्स को नहीं प्राप्त हो पाएगा, नो फूड, और हमें भोजन जो होता है वो भी नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि हम फ्लड्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। अगर सब्जी फ्रूट्स ये खाते हैं तो डायरेक्टली हुए, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट ऐसी चीज़ों को खाते हैं उस समय हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर ही। अब प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो फूड भी नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम था। एनिमल्स बिकम होमलेस। अच्छा, प्लांट्स अगर नहीं हो, ट्रीज नहीं हो, फॉरेस्ट नहीं हो, पता है आपको कि हजारों की संख्या में एनिमल्स जो होते हैं इवन टू स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, ये सभी रहते हैं फॉरेस्ट में। और ट्रीज अगर रिमूव हो जाए, कट जाए, तो ऐसे में उन एनिमल्स का घर ही नहीं रहेगा, वो होमलेस हो जाएंगे, तो उनका लाइफ भी एग्जिस्ट करना मुश्किल होगा। एक दूसरा केस देखते हैं, नो एनिमल्स। अगर एनिमल नहीं रहे या एनिमल की संख्या अचानक से कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। नो इनफ कार्बन डाइऑक्साइड। पता है आपको कि एनिमल्स जो ब्रीद आउट करते हैं, जो रेस्पिरेशन के दौरान जो छोड़ते हैं गैस है, गैस जो बाहर करते हैं उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे CO2 कहते हैं। अब अगर CO2 नहीं होगा तो प्लांट्स को फूड प्रिपरेशन यानी फोटोसिंथेसिस में जो अहम एक गैस है जिसका वो उपयोग में लाते हैं वही नहीं मिल पाएगा, तो फूड बनना जो है सो नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल होगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। इसके साथ साथ नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बेसिक बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, हम सबको किस बात पर ध्यान देना चाहिए। नंबर फर्स्ट कि स्टे टू प्रोटेक्ट देम, हम उसे कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे कि प्लांट और एनिमल को हम लोग सुरक्षित रख सकें, इनकी संख्या लगातार नेचर में संतुलित रहे। इसके लिए हम लोग कई स्टेप्स ले सकते हैं, जिनमें से कुछ एक हो सकता है कि फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज वी कैन बिल्ड। हम सभी फॉरेस्ट नए बना सकते हैं और कई जो है सब प्रोटेक्टेड एरिया हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जिसे सेंचुरीज भी बोल सकते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब आप जानते होंगे कि बिहार में जैसे वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है, ये एक प्रकार का सेंचुरी है, यहाँ पर एक तरह से टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर बाघ के लिए स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया है। इसी तरह से अलग अलग जू और दूसरे जगहों को आपने जरूर घूमा होगा, आप देखे होंगे कि वहाँ पर खास तरह के प्लांट या एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित उन्हें रखा जाता है, और फॉरेस्ट को भी और हम लोग प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे नो हंटिंग जोन बना सकते हैं, आसपास के विलेज के लोगों के साथ कॉपरेट करके उनको वहाँ पे जंगलों की कटाई करने के प्रति उन्हें रोका जा सकता है, उनको जितनी उनकी ज़रूरत है उतने ही उनको उसमें फॉरेस्ट कट करें, इस बात को लेकर के। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को तो वो नहीं किल करें, इस बात को लेकर के उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। साथ ही साथ वन महोत्सव जैसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और लोगों को प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को सुरक्षित रखने के प्रति हम सभी अवेयर कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हो सकता है जिससे कि हम लोग फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे और उनके लिए एक सुरक्षित माहौल बना कर देंगे। थैंक्स।